गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द माउंटेन फैम। सो हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि अभी भी जो व्यूज आ रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइब यूजर से ज्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू सब्सक्राइब। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं एंड अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्टडी वीजा चेंजेस अनाउंस्ड ऑन 22nd of Jan। सो हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ी लेट आए बिकॉज हमें फैमिली इमरजेंसी की वजह से इंडिया ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेकिन हमने सोचा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बनाते हैं आप लोगों से शेयर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो जैसे कि आप सबने सुना ही होगा कुछ चेंजेस अनाउंस हुए हैं वीजा को, स्टडी वीजा को लेके एंड बाकी अलग अलग चीजों को लेके। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चेंज, टेम्परेरी कैप ऑन स्टडी वीजा अंटिल 2025। सो इसका मतलब ये है कि पहले अनलिमिटेड नंबर ऑफ वीजा एप्लीकेशन, बेसिकली स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन अप्रूव कर दी जाती थी, कुछ काउंट नहीं रहता था कितना है। बट अब जो कनाडा गवर्नमेंट ने एक कैप लगा दी है, मतलब कि एक लिमिट दे दी है कि सिर्फ इतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो वीजा अप्रूव करेंगे। सो अभी ये टेम्परेरी कैप है अंटिल 2025, उसके बाद 2025 के एंड में ये लोग फिर से रिवाइज करेंगे, क्या पता यही नंबर रहने दें या फिर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। अभी की न्यूज के हिसाब से जो टोटल नंबर बताया गया है वो है 360,000, सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स को कनाडा स्टडी वीजा मिलेगा, जो कि अगर देखा जाए तो 35% लेस है एज कम्पेयर टू 2023। अगर लास्ट ईयर और लास्ट ईयर का डेटा कंपेयर किया जाए, 2022 में ऑलमोस्ट 800K स्टूडेंट्स आए थे एंड 2023 में 900K आए थे। उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 2024 में जो इन्होंने कैप दिया है वो है 360,000 का, विच इज 35% लेस देन 2023। अब ये कैप क्यों लगाना पड़ा, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रही थी। एंड प्रॉब्लम कैसे हो रही थी, बिकॉज मेन आप देखेंगे तो ज्यादा कॉलेज अगर कंपेयर किया जाए तो ज्यादा मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर इन ओंटारियो, सो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं आ रहे थे। एंड अगर एक ही प्रोविंस में सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी। सो इसी परेशानी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। अब चलते हैं सेकेंड चेंज पे, विच इज अटेस्टेशन लेटर फ्रॉम प्रोविंस। सो ये क्या है, इसमें आपको एक अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा प्रोविंस से, बिकॉज जो कैप लगा है वो सिर्फ स्टडी वीजा के ऊपर नहीं है, वो प्रोविंस बेस्ड के ऊपर भी है। लाइक मतलब एक प्रोविंस कितने स्टडी वीजा दे सकता है, सो इसके ऊपर भी कैप लगा है। तो जो भी स्टूडेंट रहेगा उसे अपने स्टडी परमिट एप्लीकेशन के साथ अपना वो लेटर भी अटैच करना होगा। सो एक डॉक्यूमेंट बढ़ गया है अपनी एप्लीकेशन। बेसिकली क्या रहेगा, जो भी आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी रहेगी वो कहेंगे कि हाँ हमने स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में एडमिशन दिया है, हमने इसकी सारी डिटेल्स चेक कर ली है, ये हमारे कैप के अंदर फॉल कर रहा है एंड ये रहा लेटर, जो कि लेटर स्टूडेंट को अपनी एप्लीकेशन का अटैच करना। सो अब जो भी न्यू एप्लीकेशन जाएंगी आफ्टर 22nd of January उसमें ये लेटर लगाना जरूरी है। सो अब नेक्स्ट चेंज में आते हैं, विच इज पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फॉर स्टूडेंट्स इन प्राइवेट कॉलेज। सो अभी क्या होता था कि आप किसी भी कॉलेज से करो आपको उसमें PGWP मिल जाता था इजीली। सो इसमें क्या होता है, जैसे प्राइवेट कॉलेज रहते हैं उनका करिकुलम जो रहता है वो पब्लिक कॉलेज की तरह ही होता है। सो उसमें आप उनके पास एक लाइसेंस रहता है कि वो अपना पब्लिक कॉलेज की तरह ही करिकुलम रख सकते हैं एंड उसके बेसिस पे ही आपका PGWP मिल जाया करता था। सो अब इन्होंने बोल दिया है कि अगर आप पब्लिक कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं तो ही आपको PGWP मिलेगा, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हैं जिनके पास लाइसेंस है पब्लिक कॉलेज का करिकुलम पढ़ाने का तो आपको PGWP नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए भी इन्होंने करा होगा बिकॉज ऐसे केसेस होते थे कि प्राइवेट कॉलेज जो भी है ऑफर लेटर दे देता था, फिर जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते थे उसके बाद वो उनको डेफर कर देते थे। इस केस में क्या होता था, स्टूडेंट ना तो यहाँ पे जॉब कर पाते थे ना ही वो दूसरी जगह अप्लाई कर सकते थे। सो ऐसे बहुत सिनेरियोस होते थे। सो इस वजह से ये स्टेप लिया गया है, विच इज अ गुड वन। सो मेक श्योर जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप पब्लिक कॉलेज के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं तो ही आप PGWP के लिए एलिजिबल होंगे। और ये जो चेंज है ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 2024 सितंबर। सो अब आते हैं नेक्स्ट चेंज पे, विच इज नो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। सो ये एक ऐसी चीज है जिससे बहुत लोग इफेक्ट हुए होंगे, बिकॉज ऐसा होता था कि एक जना आ गया है अपने स्टडी वीजा पे तो जो स्पाउस रहता था उसको ओपन वर्क परमिट मिल जाता था, इजीली आके वहां पे जॉब कर सकते हैं। बट अब ये चेंज हो गया है, लेकिन इस चेंज के साथ ही एक छोटी सी कंडीशन भी है। सो ये सबके लिए नहीं है कि किसी के भी स्पाउस का ओपन वर्क परमिट नहीं लग सकता, अभी भी किसी किसी का लग सकता है बट ओनली फॉर दोज जो यहाँ पे मास्टर्स के लिए आए हैं या फिर PhD के लिए आए हैं। जो भी डिप्लोमा ग्रेजुएशन के लिए आते हैं उनके लिए स्पाउसल वर्क परमिट नहीं होगा अब।
सो ये सारे चेंजेस हैं जो कि अभी अनाउंस हुए हैं. इसके साथ ही एक और चेंज अनाउंस जो कि हुआ है? थोड़ा ठीक है एज कंपेयर टू अदर चेंजेस. सो द नेक्स्ट चेंज इज 3 ईयर वर्क परमिट फॉर मास्टर्स एंड अदर कोर्सेज. सो पहले क्या होता था, आपका जितने साल का कोर्स होता था उसके बेसिस पे ही आपको आगे वर्क परमिट मिलता था. बट अभी क्या है, अगर आप मास्टर्स करें या फिर आप शॉर्ट कोर्स भी कुछ कर रहे हैं तो भी आपको 3 ईयर का ही PGWP मिलेगा, विच इज़ अ गुड न्यूज़. सो इससे बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी, बिकॉज वो भले ही छोटा कोर्स करें या बड़ा कोर्स करें, उनको 3 साल का वर्क परमिट तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें वो आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं. पहले क्या होता था, जैसे शॉर्ट अगर कोर्स है और आपको 1 ही साल का वर्क परमिट मिल रहा है, तो उसमें क्या होता था, थोड़ा टाइम आपको जॉब सर्च करने में लग जाता था, उसके बाद आपका पूरा कैनेडियन एक्सपीरियंस हो नहीं पाता था, बिकॉज 1 साल में अगर आप 4 महीने भी जॉब सर्च कर रहे हो तो सिर्फ 8 महीने का ही एक्सपीरियंस रहता था. सो इस वजह से अब ये वाले इस चेंज से बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाएगी. सो ये हैं सारे चेंजेस जो अभी अनाउंस हुए हैं January 22 को. आई होप आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी. अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा, एंड चैनल के सपोर्ट के लिए डू सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.